जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इकतीस दिन की जिनकी साधना चल रही है और जिन्होंने अपने जीवन में इकतालीस दिन की छ महीने की साल भर की या दैनिक पूजन में भी अच्छे प्रकार से साधना की हो उस साधना का एक अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में आता है और ज़रूर आता है उस साधना का फल हमें जीवन में ज़रूर मिलता है और मिल के रहता है हम में से आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मन में बात ले आते हैं आज हमें दस साल व्रत रखते हुए हो गए लेकिन हमें फल नहीं मिला क्या भाव से की गई साधना का फल मिलता है नहीं मिलता है? निष्काम भाव से की गई साधना का फल मिलता है मिलता है कुछ ऐसी ही चर्चा इस अंक में होने वाली है और जितने भी साधक इस समय अपनी साधनाओं में लगे हैं चाहे वो इकतीस दिन की हो दैनिक पूजन की रोज़ की साधना हो वो आज के इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा आज हम ये भी आपको बताएंगे कि आज छोटे मोटे चुटकुले से बता करके हमें साधना मार्ग से भटकाया जाता है कैसे भटकाया जाता है सारी जानकारी इसमें दी जाएगी पहले आज का पंचांग 12 मार्च सन 2024 दिन मंगलवार संबंध दो हज़ार अस्सी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया नक्षत्र रेवती राहु काल तीन से साढ़े चार दिशा सूर उत्तर दिशा सबसे पहले अपने उन सभी भक्तों को साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इकतीस दिन की साधना में और उन भक्तों को भी शुभकामनाएँ जो प्रतिदिन अपने पूजा घर में बैठ के अपनी नित्य की साधना बहुत अच्छे से करते हैं इकतीस दिन के जो भी साधक हैं आज करते करते बारह मार्च आ गई है और पच्चीस मार्च तक की साधना चलने वाली है तो कहने का भाव कि देखो आधी साधना का पड़ाव आप लोग पार कर चुके हैं आधी साधना आपकी और बची है भगवती की कृपा से अम्बे रानी की कृपा से ये जो आधी साधना बची है ये भी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी चिंता नहीं करना अब मैं एक बहुत मुख्य बात अगर आप उसे बहुत हृदय से सुनेंगे अंत मन से सुनेंगे तो मेरी बात आज वाली समझ में आएगी और इसको गांठ बांध लेना जिंदगी में बेटे आप मार नहीं खाओगे आज मैं आपको बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ एक कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए सामान्य भी बात हो सकती है अब सुनो आपने इकतालीस दिन की साधना की इकतालीस दिन की साधना में मन लगा भगवान की कृपा हुई लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इकतालीस दिन की साधना की और भगवान हमारे सामने आकर के खड़े हो जाए ऐसा बहुत कम होता है आगे बढ़ो हम इकतीस दिन की साधना कर रहे हैं भगवती का ध्यान करके हमारी साधना चल रही है जगजननी के हाथ में है वो हमें आशीर्वाद दें वो हमसे कब प्रसन्न हो, हैं हमारे जीवन में किस प्रकार की रंग भर दें खुशियाँ भर दें वो किसके हाथ में है वो भगवान के हाथ में है, वो किसके हाथ में है? वो भगवती के हाथ में है आज आधी साधना हो गई दस पंद्रह दिन और रह गए साधना पूरी हो जाएगी भगवती के हाथ में है वो साधना करा रही हैं हम लोग साधना कर रहे हैं अब दूसरी बात जीवन में जो साधक पिछले तीस सालों से साधना कर रहा है दस मिनट रोज करता है बीस मिनट रोज़ करता है सभी करते हैं ना अपने पूजा घर में बैठ कर के दस बीस पचास मिनट घंटा डेढ़ घंटा सभी लगाते हैं किसी से मंत्र अच्छे से पढ़े जाते हैं किसी से भाव से पढ़े जाते हैं किसी के दिमाग घूमते घूमते रहते हैं तो पढ़े जाते हैं किसी की साधना पच्चीस दिन अच्छे से चलती है दस दिन नहीं हो पाती है लेकिन भाव यह है थोड़ा बहुत करते सब हैं उस साधना के बीच में भी बहुत कम ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनको कोई विशेष अनुभूतियाँ होती हैं विशेष चमत्कार होते हैं बहुत कम लोगों को ऐसा होता है ना के बराबर हकीकत बता रहा हूँ आपको लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान आपको सुन नहीं रहे इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा बस यूँ ही भगवान की टोर को पकड़ के रखिए उसकी राह में चलते रहिए धर्म की पगडंडी के पथिक बन करके के रहिएगा अब हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको वो समझा देते हैं बहुत गहरे दिमाग से सुनना बच्चों मैंने इकतीस दिन साधना की मैंने इकतालीस दिन साधना की मैंने तीस साल साधना की मैंने बीस साल व्रत रखे मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया चलता है सबके साथ फिर भी हमें जल्द से भगवान के दर्शन नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ कि हमने हमने भगवान को कोई आज्ञा दी और भगवान ने कहा लो दे दिया ऐसा नहीं होता लेकिन हमारा भाव हमारी भावनाएं वो महाशक्ति हर पल पड़ती है और उसके आधार पर उस भगवती का जो मन होता है और हमारे जैसे कर्माज प्रारब्ध के होते हैं हमारे जैसे कर्म प्रारब्ध के होते हैं उन कर्मों को तोल के और आज के कर्मों को तोल करके भगवान फैसले करते हैं अर्थात वो न्याय करते हैं हमें हमारे कर्मों के आधार पर सुख दुख की प्राप्ति होती है लेकिन जो साधनाएं आप लोग कर रहे हैं उस साधनाओं से आपके प्रारब्ध के जो कर्म हैं जो कई बार पाप कर्म होते हैं बुरे कर्म होते हैं तेजी से बेटा कटते हैं तेजी से कटते हैं जैसे बैंक से कर्जा ले रखा हो और आपकी ये साधनाएं उस कर्जे को तेजी से उतार देती हैं आने वाला कल सुनहरा होगा और सुंदर होगा एक बात अब दूसरी समझो आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें छोटी छोटी बातें बता करके बहका देते हैं और जैसे चाट में मिर्च मसाला डाला जाता है ऐसी बातों को लाग लपेट करके हमें बहकाते हैं कैसे सुनो कि पाँच साल के बाद ये योग आ रहा है और आप ये कर लीजिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी कैसे बदल जाएगी आपने 35 दिन साधना की आपने 45 दिन साधना की आपने पूरे जीवन भर दैनिक साधना तीस साल आपको करते करते हो गए पंद्रह साल आपको करते करते हो गए कभी इकतालीस दिन की साधना करते हैं कभी नवरात्र की साधना करते हैं तब तो कुछ नहीं हुआ एकदम लेकिन कोई भी बहरूपी आकर के आपको चुटकुले से सुना जावे कि दो पतासे चढ़ा दो एक नग चढ़ा दो और फलाना कर दो और आपका काम फतेह हो जाएगा तो आप सोचो कि आप कितने लंबे समय के पथिक हैं कितने लंबे समय से आप साधनाएँ कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा चमत्कार आपको तो नहीं दिखा बस इतना है कि हम भगवान के शरण में हैं देने वाले वो हैं और कर्म करने वाले हम हैं लेकिन हमें कई बार बीच में ऐसे लोग मिलते हैं हमारी साधना को खंडित करा देते हैं हम पैंतीस दिन की साधना कर रहे हैं इकतीस दिन की साधना कर रहे हैं उससे मन भरने लगता है इकतालीस दिन की साधना कर रहे हैं मन भरने लगता है कोई व्रत उपवास रखते हैं उससे मन हट जाता है अरे नहीं साहब ये बड़ी चमत्कारिक बात बता रहे हैं कि बस दो दिन में ऐसा हो जाएगा फिर तो कमाल की बात है तो बेटा समझ गए मेरा अर्थ ऐसी लोलुपता चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए भगवान चाहे तीन सौ पैंसठ दिन बाद वो योग आया हो या तीन हज़ार साल बाद वो योग आया हो बेटा अगर ऐसे होने लगे फिर तो सारी दुनिया पूरे साल पूजा ना करे और वो उस योग का इंतजार करे उस योग में ढक ढक करके कुछ भी करके ज़िंदगी बना ले ऐसा नहीं होता बच्चे को पूरा वर्ष पढ़ना पड़ता है तब भी परीक्षाओं में सफल होना ना होना संदिग्ध अवस्था हो जाती है समझे किसान पूरे मनयोग से बीज बोता है उसके बाद भी पता नहीं मौसम का मिजाज क्या हो कि सारी फसल नष्ट हो जाए इसलिए वक्त का कुछ पता नहीं होता ऐसी बेकार की बातों में मत फंसना भगवान इतना सस्ता नहीं है कि आपने एक लौंग चढ़ाई और वो नाचने लगे आपके सामने आपने किसी विशेष उसमें एक पान का पत्ता या फूल का पत्ता तकिए में लगा दिया और आपके तकिए के नीचे सोने की सरफियाँ कोई अपसरा रंभा आ करके रख जाए ऐसा नहीं होता ऐसे लोगों को ए भी सीढ़ी मालूम नहीं होती धर्म के बारे में और कुछ भी अनाप शनाप बोल करके अब तो यूट्यूब है अधिकार है कोई कुछ भी बोल दे कुछ भी कह दे ये मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना किसी को बुरा भी लग रहा होगा लेकिन लगे तो लगे बाल्मीकि के शरीर पर दिमक जम गई थी है ना राम 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 राम, राम जपते जपते दीमक जम गई साहब पता नहीं रहा ऐसे साधु सन्यासी हैं जिन्हें युग के युग बीत जाते हैं जो अपनी खेचरी मुद्रा को लगा करके अपने प्राणों को ब्रह्म रंध्र में स्थित करके साहब मन हो जाते हैं इतना आसान है भगवान को पाना आज तो इंसान को पाना बहुत मुश्किल है किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल है किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानना ये भापना बहुत मुश्किल है आप भगवान जो महाशक्ति है एक नारियल चढ़ा करके हम सोच लेते हैं कि पता नहीं हम क्या कर लेंगे तो बेटा आप लोग बहुत वैभववान हैं समझदार हैं पढ़े लिखे लोग हैं हैं तो इसलिए आप बहुत ज्ञानी हैं इसलिए आप अज्ञान वाली बातों में न फंसे हैं भरमी भरमी में पढ़ंत वो की बात है ना तो इसलिए ध्यान रखें ज्ञान के चक्षु सदा खोल करके रखें एक दो दिन हल्दी चढ़ाने से रंग गोरा नहीं होता इसलिए ध्यान रखना जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब भगवान प्रकट होते हैं अब आप प्रहलाद जी को देखो किस प्रकार से परीक्षाएं हुई है ना और आप ध्रुव को देखो कैसे उनकी साधनाएँ थी भगवान लक्ष्मण को देखो कैसे राम के साथ हर समय अड़िग पहरी बने रहते थे भगवान हनुमान को देखो किस प्रकार से भगवान श्री राम के संग रहें और आज भी राम नाम का जहाँ जप होता है उनकी उपस्थिति हो जाती है और हम लोग खाने पीने पे हमारा अंकुश नहीं है हमारा किसी चीज़ पे अंकुश नहीं है हमारे व्यवहार में हमारा अंकुश नहीं है हमारे झूठ तफैल बोलने पे हमारा अंकुश नहीं है हमारे पहनने पे हमारा अंकुश नहीं है हमारे सोने जागने पे हमारा अंकुश नहीं है हमारे खाने कमाने पे हमारा अंकुश नहीं है हमारा अंकुश है ही कहीं नहीं बस एक टमाटर चढ़ा कर हम सोच लेते हैं कल ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे समझ गए अब आप जो जो बुद्धिजीवी हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे इसलिए बेटे एक रात में हम धन्ना सेठ नहीं बन सकते लॉटरी लगती ज़रूर है लेकिन उन्हीं की लगती है जिनके प्रारब्ध के संचय कर्म बहुत बड़े होते हैं इसलिए ध्यान रखना अच्छे से भगवान की पूजा करना किसी की बातों में आना और जब तक पूजा के संग संग और भी बहुत बातें कही गई हैं केवल माला उठा करके जपना इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते माला उठा करके जाप करो बहुत अच्छी बात है तीस दिन करो पचास दिन करो बहुत अच्छी बात है जीवन में भर करो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना ये भी एक बहुत बड़ी बात है इधर आप ढाई घंटे पूजा कर रहे हो उधर आप पाप कर रहे हो घड़े में छेद उधर पानी डाल रहे हो इधर से निकल रहा है उधर पुण्य कमा रहे हो और इधर पाप कमा रहे हो तो पुण्य और पाप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका इसलिए ध्यान रखना जाप के साथ साथ एक साधक को अपने आहार पर अपने विहार पर अपने विचार पर भी नज़र रखनी पड़ती है तब जाकर के बात बनती है सोने की काली सटाई जाती है पीटा जाता है तपाया जाता है छेता जाता है तब जाकर के वो कुंदन बनता है ऐसे ही भैया केवल जब करने से भी बात नहीं बनती जब के साथ साथ तब भी होना चाहिए तब के साथ तितिक्षा भी होनी चाहिए साधना भी होनी चाहिए साधना अपने आप को साध करके जो साधना करता है तब साधना होती है इसलिए कई दिन से मन में आ रहा था कि आपसे बात करूं क्योंकि कई बार ऐसी बातें आंखों के सामने आ जाती हैं कि साहब ये कर लो और वो कर लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बेटा जो साधना तुम कर रहे हो अपने जीवन में इनको छोड़ना मत अपनी दैनिक साधना को अच्छे से करते रहना कोई भी साधु संत आपको अच्छी राय दें उसे जरूर मानना और उस पर अमल करना और जैसे जैसे तुम करते जाओगे एक दिन आपका आएगा आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता तो गेहूं की बाली पकने का भी एक समय होता फलों में रस आने का पकने का भी एक समय होता एक मौसम होता ऐसे ही हमारी साधना पकने का भी एक समय होता एक मौसम होता तो वो मौसम बन रहा है वो समय आ रहा है बस अपनी साधनाओं को आराधनाओं को बेटे अच्छे से करते रहना किसी बेकार की बातों में मत फंसना लालच मत करना लुलुप्त मत करना निष्काम भाव से साधना करना भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे भगवान आपको अवश्य वरदान देंगे आपका जीवन खुशियों से अवश्य भर जाएगा आइए समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगलकर्णी भगवती जगदम्बा से ॐ सिन्दूररुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरास्तारानायकशेखरस्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिव्रती सौम्यां रत्नगढस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदतिं करिस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूसावृताम् नीलासमद्युतिमाशपदशकां सेवे महाङ्कालिकां यामास्तु स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कटवं विद्युदामसमप्रभामृगपते स्कन्दस्थितां भीषणाम् कन्या विकर खेट विलसा हस्ते चक्र गदा गाशिखेट विशिखा चापम गुण तर्जनी बिप्राण मलिलात्म शशिधरा दुर्गा तीन बजे कवच बना लें ध्यान करें देवी माँ का सुभाषीष हम सब के ऊपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले सामान्य हो जाए देखो साथ को बहुत अच्छी बात है और बेटा अगला पड़ाव हम सबका बड़ा जोरदार होने वाला है इसलिए अभी से कमर कस लें अगली साधना के लिए हमसे जुड़ जाएं <Lacan Cain> ये जीवन खाने कमाने के लिए भी मिला है ये जीवन सोने जागने के लिए भी मिला है गाने नाचने के लिए भी मिला है और ये जीवन सत्कर्म करने के लिए भी मिला है इसलिए सत्कर्म करने का समय थोड़ा सा आप हमें देते रहना निकालते रहना जुड़े रहना अगली साधना का पड़ाव इकतीस दिन साधना पूरी हो जाए तब जिक्र करेंगे और इस साधना में उम्मीद करूँगा अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ने का साधकों को जोड़ने का प्रयास करना आप स्वस्थ रहें सुखी रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को जय जय अम्बे जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता असफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं किन कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उभारा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं मैं बहुत तेज़ चौंका करीब चार पांच दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मन रहा था तो मैं यही सोचने परेशान था ये शुभ है अशुभ है क्या चीज है तुम तो इनसे मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौए आ रहे हैं कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुछ तो अलौकिक है इनमें दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है जब में आए थे, मैंने वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से नोट शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक हमारे विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें